अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी आज 3 दिन के बाद बैंक खुले हैं, लेकिन बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है, 3 दिन के बाद बैंक खुले हैं, सुबह 4 बजे से ही लोग बैंकों की लाइन में लगे हैं ये आस लगा के कि आज उन्हें कैश मिलेगा जिससे उनकी परेशानियाँ कम होगी। कई सारे लोग यहाँ पर दिल्ली में जो एक बैंक है PNB बैंक उसके बाहर खड़े हुए हैं, इन लोगों से जानते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और आप लोगों की नोटबंदी को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। जी, आपका क्या नाम है? बद्रुद्दीन। आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 3 दिन के बाद बैंक खुले? हाँ जी सर, हमारे घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, जब पैसा निकलेगा जब कुछ लेंगे सामान करते जो बात हकीकत भाई, खाने के पैसे नहीं, बहुत दिक्कत आ रही है। अपने पैसे के लिए लाइन लगाओ, सुबह 4 बजे उठ के नंबर लगाओ तो नंबर आता है, 10 बजे 11 बजे नंबर आता है। मोदी जी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मोदी जी जो कर रही है क्या करा जाए, उनका क्या करा जाए, जो किया ठीक किया, जो लगता है लाइन लगता है, गरीब लगता भाई साहब, बड़ा लाइन लगता तक। तो मोदी जी से क्या गुजारिश करेंगे क्योंकि मोदी जी ने कदम अच्छा उठाया है, परेशानी जल्दी से समस्या का समाधान हो? कोई अच्छा कदम तो कोई नहीं उठाया उन्होंने, खैर गरीब आदमी बता कर दिया है। जी आपका नाम? जी मोहम्मद तंजील है। आप बताइए कि क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस नोटबंदी को? जी सर, 3 बजे सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, घर में 1 रुपया जो है ना पैसे खाने के लिए नहीं है सर, ये मोदी सरकार ने अपना जो है जेब भरने के लिए रख लिया, यहाँ आदमी गरीब मर रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग, तो जो है कुछ भी नहीं हम लोग जो किए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 3 दिन के बाद बैंक खुले हैं और मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर लोगों को देखने पर मिल रही है। अब बैंक नहीं खुले, देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये महिला है जो कि सुबह 4 बजे से ही लाइन में लगी हुई है। आप सुबह 4 बजे से लाइन में लगी हुई हैं, अब आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, 3 दिन के बाद बैंक खुले हैं, क्या आप मोदी जी से अब गुजारिश करेंगी? क्या करें भैया, हम तो जानते भी, हम तो कहीं देखा भी ना रास्ता, हम तो अपनी बस यहाँ तक लग के आ जाए, वो बहुत चला भी नहीं जाता। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया था काले धन पर लगाम लगाने की बात कही थी, आप समझती हैं ये सारी चीज़ें, काला धन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फैसला किया था? नहीं भैया, समझती नहीं। समझती क्या करती हैं आप? कुछ भी ना करती, मैं तो घर में, मैं तो बीमार की हूँ ना, ऑपरेशन हुआ, मैं तो घर में ही पड़ी रहती हूँ। अच्छा, तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी यही है कि वहाँ से इतनी दूर से आते हैं और जाते हैं अंदर को तो जो कहते थे पैसा खत्म हो गया। तो आप देख सकते हैं देश की आधी आबादी, जो एक आबादी का जो हिस्सा है वो ऐसा भी है कि उन्हें नहीं पता कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या फैसला लिया है और आखिर एक काला धन नोटबंदी है भी क्या, बस लगे जा रहे हैं लाइन में, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इतने लोग परेशान हैं, जो माल्या जैसे वहाँ बैठे हुए हैं, जो अरबों रुपये जो हैं उनके लोगों से निकल रहे हैं, उनके ऊपर उनके उनके पास में उनके सोल्यूशन है कोई? उनको सजा मिलेगी? उनको उनकी पूरी पूंजी थी, प्रॉपर्टी सील कर दी जानी चाहिए बिल्कुल भी, टोटल, और उनको जेल में डाला जाना चाहिए। नहीं, लेकिन अब 3 दिन के बाद बैंक खुले हैं, मोदी जी ने कहा है कि 31 तारीख के बाद हालात सामान्य होंगे, ऐसे में क्या कहना चाहिए? नहीं होता, नहीं हो सकता, 6 महीने में नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, तो समस्या का समाधान अभी नहीं हुआ, आप क्या आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हम यही सही कह रहे हैं कि लाइन गलत है, कोई बताओ ना, 2 नंबर के नोट वाला लाइन में लगा, बताओ कोई रही से, सब गरीब लगे हुए हैं, बेड़ा गर्क कर दिया गरीबों का। मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है कि लोग लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो नोटबंदी की लाइन जो लगातार लगी हुई है उससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिस पर सख्त कोई कदम उठाने की ज़रूरत है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रशांत रामेश्वर शर्मा, दिल्ली, इंडिया वॉच।